Hey guys, welcome to Little Joys of Life. मैंने अभी एक vlog खत्म किया है. अभी है आज 16th of January और रात तक मैं उसे post कर दूँगी. So by the time ये vlog up होगा, तब तक आप लोग मेरा वो वाला vlog देख चुके होंगे. और आजकल मुझे suits पहनने का बहुत शौक चढ़ा है. So I'm wearing a suit. ये है वो को कहते हैं chicken कारी का काम है. And ये chiffon पे है. So it's a beautiful suit. Yeah. और वो अपने डॉल के साथ है. सो हम आज जा रहे हैं अभी बाहर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें लेना है एक लैपटॉप. बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है हमें, क्योंकि मैं अभी हमारे पास दो लैपटॉप्स हैं. एक बहुत बुरी हालत में है और एक अच्छा है जिसे हम यूज़ करते हैं, पर वो हम दोनों का काम क्लैश हो रहा है उससे. अनु सेट की एक लैपटॉप की और हाँ जी हम जा रहे हैं दूसरा लैपटॉप लेने. देखते हैं कि आज हमें कुछ पसंद आता है कि नहीं. हमने ऑनलाइन भी कोशिश करी थी. जो मॉडल्स अभी मार्केट में नहीं आते हैं बट लेनोवो के साइट से मिलते हैं, बट इट विल टेक मोर देन 5 वीक्स. तो ऑब्वियसली वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को केटर नहीं कर रहा है. सो हमने ले लिया है अपना लैपटॉप एंड लैपटॉप हमने HP का लिया है. उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है जो हमको चाहिए थी, उससे थोड़ा अच्छा ही है. i7 कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली मैं घर जाके आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताऊंगी. और हमने ये वाला क्यों पिक किया वो भी मैं आपको बताऊंगी. और अभी हमको बहुत भूख लग रही है, घर बहुत बिखरा हुआ है. सो वी डिसाइडेड कि अभी हम किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाके आज खाना खाते हैं. बहुत थक गए हैं, है ना कबू? भूख लग रही है. पूछा किया कहाँ किया बेटा, आज तक मेरे को भी नहीं किया. पहले तो मेरे बच्चे शिकायत करते रहते थे कि कुछ भी नहीं किया. अभी वीडियो ये मम्मी पापा देखेंगे तो इतनी डांट पड़ेगी कि हमने गुस्सा किया, जबकि हमने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया है. पता नहीं भूल गई थी कि गुस्सा किया कि नहीं. वो भूल जाती है कि गुस्सा किया है कि नहीं किया है. वी आर एट नाइट्स पार्क और हमने ऑर्डर किया है, हमने क्या ऑर्डर किया है, हमने ऑर्डर किया है मटन कोरमा. अनुज खाएंगे साग और उसके बाद अगर भूख रही तो हम मंगाएंगे चिकन बिरयानी. और साइड्स में आ रहे हैं गार्लिक नान. सी द जग, आई लाइक द जग, है ना. इंडिया में ऐसी चीज़ें कितनी इजीली मिलती हैं और यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखता है तो कितना अच्छा लगता है. है मेरा मटन कोरमा, अनुज का साग एंड गार्लिक नान. सो हो गया है हमारा खाना और हमें दूर से काले बादल आते हुए दिख रहे हैं. बहुत ही डरावने लग रहे हैं, लिटरली ऐसे चल के आ रहे हैं काले बादल. और वैसे भी अभी फिर से आज फ्लैश फ्लड की वार्निंग है. आज भी बोला गया है कि बहुत गंदा वाला फ्लड आने वाला है, बहुत गंदी वाली बारिश होगी. तो हम बस निकल रहे हैं, भाग रहे हैं. ये जैसे स्मोक क्लाउड्स लग रहे हैं, पता है आपको? ये वैसे बहुत हार्ड है डेस्टिनेशन ना. हाँ, ब्लैक, खासकर ब्लैक क्लाउड्स में बहुत हार्ड है. एग्जैक्टली. तो ये क्लाउड्स अभी बिल्कुल नीला आसमान था और अब वहाँ से ऐसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो आ गए हैं हम घर और अभी रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं और अनुज कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये उनका फेवरेट काम है. वो लैपटॉप्स और जितनी भी टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स होते हैं ना, अनुज को उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है. सो बस उनसे भी रुका नहीं जा रहा है और कैबिन से भी नहीं रुका जा रहा है, दोनों पागल हो रखे हैं. हमने लिया है HP का लैपटॉप और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अनुज बताएंगे. इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे आप? i7 10th generation processor and 16 GB RAM and 16 GB RAM or 512 GB or 512 GB iska hai solid state. 512 GB iska solid state and Nvidia graphics card and Nvidia graphics card mummy do pencil mujhe full HD LED display. Full HD, okay, full HD LED और फिंगरप्रिंट रीडर भी है. तो अनुज पागल हो रहे हैं सारे फीचर्स पढ़ के. सी बैकलिट कीबोर्ड. हां, तो बैकलिट कीबोर्ड मेरे वाले में भी है. ये आपके बर्थडे का गिफ्ट है. आपने मेरे ही कार्ड से लिया है ना
ये आपके बर्थडे का गिफ्ट है। हाँ तो बस 27 फरवरी को इनका बर्थडे आ रहा है, हो गया तो यहाँ आने से इसको बस स्टार्ट कर रहे हैं। और कैबी को मैं थोड़ा सा पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, थोड़ी देर ही पढ़ाऊंगी फिर उसको चला देंगे। बहुत ही टाइम हो गया है इनका। ये है लैपटॉप का डब्बा और लैपटॉप का जो स्टायरोफोम था। मैं अनमिति के लिए टेबल खरीदने की सोच रही थी एंड नाउ आई थिंक ये परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ रही है। इसी को थोड़ा बहुत और मॉडिफाई करके इसके टेबल बन जाएगी। गाइस, सो कल मैं अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, रात में बहुत थक गई थी और मुझे घर का काम करना था तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो मैंने कल बस लिविंग रूम साफ़ किया और जो हमारा डाइनिंग एरिया है वो साफ़ किया, किचन वगैरह बहुत गंदा पड़ा हुआ था वो सब किया, कैबी को सुलाया। कैबी को नाइट प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लग जाता है, हाफ एनआवर लग जाता है मुझे कल, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और अब और अभी बज रहा है 5:30, मैं भी जस्ट फ्री हुई हूँ अपने ऑफिस के काम से। तो अब मैंने कहा कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ दोबारा और जल्दी, और आज किसी को दौरा पड़ गया है, सच में दौरा पड़ गया, और दौरा पड़ा है अच्छाई का। मैंने इसको सुबह बोला था कि आप अगर गुड गर्ल बनोगे तो ये होगा वो होगा, मम्मा की हेल्प करोगे, तो मैंने सिर्फ एक चीज़ के लिए कहा था कि आप अपने टॉयज समेट दो। जब हम घर वापस आते हैं तो हमें जब साफ घर मिलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, और वो पागल हो चुकी है, वो अपनी उसने सारी सफाई करी हुई, जो अंदर से ड्रॉर्स है ना, ड्रॉर के अंदर जो मैंने टॉयज छुपा कर रखे हैं वो निकाल रही है, उसको वापस रख रही है, कपड़े निकाल रही है, बाल अपने आप सही कर रही है। ओ गॉड, मैं पागल हो गई हूँ इसकी इन मतलब इतनी ज़्यादा मेरी हेल्प हो गई है, वो ओवरबोर्ड चली गई है। मुझे नहीं पता कि ये आज यही चलेगा, मुझे लगता है कि आज यही चलेगा और इसको कैसे कंट्रोल करना आई डोंट नो। सो अभी मैंने जस्ट बाल स्ट्रेट करे हैं, मुझे मेरे ऊपर स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं बट मुझे स्ट्रेट बाल भगवान जी ने दिए नहीं, सो मुझे हर हफ्ते करने पड़ते हैं। एंड मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग के लिए नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने परमानेंट स्ट्रेटनिंग के बहुत गंदे रिव्यू सुने, और जो स्ट्रेटनिंग के बाद जैसे बाल निकलते हैं वो बड़े ही गंदे लगते हैं। सो आप लोग मुझे बताइएगा कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। अगर आप लोग पॉजिटिव रिव्यूज़ देंगे देन आई वुड डेफिनेटली ट्राई दैट ऑन मी, वरना तो अभी जो हफ्ते में मैं एक बार स्ट्रेटनिंग करती हूँ वही बहुत है। और हम जा रहे हैं, हमको थोड़ा सा घर का सामान लाना है, घर का सामान अजन लाना है, आटा दाल चावल मसाले ये सारा सामान लाना है, सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो कल नहीं ला पाई थी मैं, कल सोचा था हमने पर कल ही इतना लेट हो गए थे कि नहीं ला पाए थे, तो अब आज लेके आएंगे। और खाने में मैं बना रही हूँ मटर पनीर। मैंने बहुत दिनों से कोई भी खाने वाला वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है तो मैं उसे मिस कर रही थी, तो पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं खाना अपना बनाते हुए रिकॉर्ड करती हूँ तो। पर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखती हूँ अपनी वीडियोस में क्योंकि मुझे लगता है कि रोज़ रोज़ मैं खाना बनाते हुए दिखाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो मैं वो पार्ट स्किप कर देती हूँ। बट आज मैं पक्का वो पार्ट रिकॉर्ड करने वाली हूँ। और मैंने जैसे बताया था आपको कि मुझे इंडियन पहनने का आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है क्योंकि मैं इंडिया से बहुत सारे अपने पुराने और नए सूट्स लेकर आई हूँ, सूट्स तो नहीं बट कुर्ते लेकर आई हूँ। और हाँ, कुर्ते घर में पहनने में ईजी भी रहता है, बहुत संभालना भी नहीं पड़ता है। सो ये कुर्ता है मेरा, ये डब्लू का था और ये बहुत पुराना कुर्ता है मेरा, दिस इज लाइक 6 साल पुराना। हे गाइस, तो हम आ गए इंडियन स्टोर से वापस और मैं बहुत तेज भूख लग रही थी तो वी कुडेंट वेट कि मैं पहले खाना बनाऊं, तो हम लाए हैं ये अभी झटपट वाली भूख मिटाने के लिए। और इसका नाम भी झटपट बाइट्स ही है, ये हल्दीराम्स का है मटर कचौड़ी। मैं इसको जा रही हूँ बेक करने, मैंने 180 डिग्रीज पे फैन बेक। अच्छा, पर मम्मी पापा को तो भूख लगी, हम खा लें प्लीज, आपके लिए इडली बना रहे हैं। और अभी मैंने बनाए थे सॉसेजेस, तो भूख तो मिट चुकी है थोड़ी सी, मतलब 10% भूख मिट चुकी है।
अनुज की 8% भूख मिटी और ये हमारी मिटा देगा 20%, तो मेरी 30% और अनुज की 20% भूख मिटेगी। फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। खाने में प्लान में चेंज है, पता नहीं मटर पनीर शायद नहीं बन रहा है, जो बन रहा है अगर वो बना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो या सो इसको बेक करने जा रही हूँ। ये मैंने बटर पेपर बिछा दिया है। वो बेक पे लगा दिया मैंने, उसके साथ चटनी ले आई थी तो चटनी मैं बनाने जा रही हूँ। और धनिया डाली है मैंने, नींबू नहीं था तो मैंने डाले टमाटर, इसमें डाला है नमक, लहसुन, जीरा और हरी मिर्च। सो ऐसी बनी है हमारी कचौड़ी, दिस लुक्स प्रिटी गुड। और इसमें हमने भी पढ़ा इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो अगर आप में से कोई लेना चाहता है, अगर इंडिया में मिलती है ये तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आप खाओ। नाइस, ये पास हो गई है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। हम देख रहे हैं बिग बैंग थ्योरी सीज़न 11, अगर कोई देखता है, हम बहुत बड़े फ़ैन हैं बिग बैंग थ्योरी के। हे गाइस, तो खाने का अपडेट ये है कि कोई भी अब रेडी नहीं है खाना खाने के लिए, तो मैं बहुत हल्की सी बस इडली बना दे रही हूँ। इडली को ये लोग चटनी के साथ खा लेंगे, तो एटलीस्ट कुछ खा लेंगे। और कोई भी मुझे कुछ बनाने नहीं दे रहा, कैबी को तो एनीवेज कभी भूख नहीं लगती है। और अनुज भी आज कुछ खाने को तैयार नहीं है, शायद वो मटर वाली कचौड़ी और सॉसेजेस बहुत हेवी हो गए थे उनके। इडली बनाती हूँ और आज के खाने से मैं फ्री होती हूँ। ये वाला बैटर यूज कर रही हूँ, ये मैं इंडियन स्टोर से लाई थी, तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रही हूँ मैं। गाइस, तो मेरा काम हो गया है सारा ख़त्म और मैंने अभी भी पिया एप्पल साइडर विनेगर। अभी फ्राइडे नाइट है तो आज हम जल्दी तो नहीं सोने वाले हैं, बस घर भी साफ कर लिया है मैंने, तो मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। और मैं सोच रही हूँ कैबी की बुक्स बहुत सारी हैं कैबी के पास, बहुत सारी स्टोरी बुक्स हो गई हैं, तो और उनको ऐसे किसी को डोनेट करने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि बुक्स वो हमेशा बदल बदल के रीड करती रहती है। तो एक बुक शेल्फ बनाने की सोच रही हूँ मैं। अभी बुक शेल्फ खरीदने में मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्स, लेट्स सी अगर वो काम आता है। अगर मैंने वो बनाया तो मैं उसका वीडियो बनाऊँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होपफुली आज से कल के बीच में मैं वो बुक शेल्फ बनाने का सोच रही हूँ। एंड द अदर थिंग इज़ कि हम ग्रॉसरी शॉपिंग जो करके लाए थे उसको भी मुझे आप लोगों को दिखाना है कि मैंने क्या क्या खरीदा और कितने का खरीदा। तो अभी तो बहुत लेट हो गया है, मैं कल वाले ब्लॉग में पॉसिबली वो शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या खरीदा और कितने कितने का खरीदा। एंड आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय। सो ये ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और बाकी है। आज फ्राइडे नाइट है, कैबी सो गई है,
तो अनुज का मन किया कि हम मैगी खाएं, और अभी बहुत लेट हो रहा है, अभी तो 12:30 बज रहा है और हमारी मैगी बन रही है। अब हम बैठ के देखेंगे मैगी के साथ बिग बैंग थ्योरी, और आई होप आप लोग ये व्लॉग इन्जॉय करेंगे जैसे हम अपनी मैगी इन्जॉय कर रहे हैं। सो या बाय।